नमस्कार दोस्तों, भारत एक सोच देख रहे हैं आप और इस वक्त हम लोग कन्नौज की धरती पर मौजूद हैं। और अब से कुछ ही मिनटों पहले, कुछ ही समय पहले ये तस्वीरें जो सामने आई हैं आपके आपकी जो स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, कुछ पल पहले की तस्वीरें हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। अखिलेश यादव कन्नौज में नामांकन उन्होंने किया है और कन्नौज से अब वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारतीय जनता पार्टी को जमकर निशाने पर लिया अखिलेश यादव ने। तो अब किस तरह का माहौल है, किस तरह की यहाँ पर हलचल है, वो हम आपको बताने जा रहे हैं। हमारे साथ संदीप श्रीवास्तव, डॉक्टर संदीप श्रीवास्तव जी जुड़ चुके हैं जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनसे समझने की कोशिश करते हैं। संदीप जी, अभी अभी कुछ देर पहले, बस मुश्किल से 15 मिनट हुआ होगा जब अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म की है, इसको कैसे देखा जाए? अब कन्नौज से वो चुनाव लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, 24 के चुनाव में कितनी गर्मी और ज्यादा बढ़ती दिखाई देगी? मुझे लगता है कि जब अनुज जी अक्षय यादव का नाम यहाँ से आया था तो वहां के जो वरिष्ठ समाजवादी पार्टी के जो नेता थे वो शायद इस बात से सहमत नहीं थे और उन्होंने पार्टी फोरम पे ये बात रखी थी कि यहाँ से अखिलेश यादव जी को ही चुनाव लड़ना चाहिए था। मुझे लगता है कि शायद समाजवादी पार्टी को ये और पहले कर देना चाहिए था, और समाजवादी पार्टी अगर अखिलेश यादव को वहाँ चुनाव लड़ाती है जिस तरीके से आप दिखा रहे थे, जो वहाँ पे जन भीड़ थी, जिस तरीके से वहाँ पे लोग जुटे हुए थे, वो ये बताता था कि पब्लिक ये चाहती है कि अखिलेश यादव उनसे कनेक्ट हो। जब तक आप पब्लिक से आप कनेक्ट नहीं होंगे, मुझे नहीं लगता कि अगर ये कार्यक्रम पहले हो गया होता, कहीं ना कहीं से अगर अखिलेश यादव यहाँ से पहले ही नामांकन कर देते तो मुझे लगता है पूरे प्रदेश में या पूरे यूपी में या पूरे देश में जिस तरीके से लोकसभा का माहौल बन रहा था चुनावों का, वो पहले चरण में भी मुझे लगता और अच्छा दिखाई देता। लेकिन देर आए दुरुस्त है, अखिलेश यादव कन्नौज से चुनाव लड़ रहे हैं क्योंकि 98 से जहां तक मुझे याद है 2019 पहले तक ये सपा का एक तरीके से गढ़ रहा है। और पिछले चुनाव की अगर बात की जाए तो उस चुनाव में मुझे लगता है 1% से थोड़ा ज्यादा का फर्क पड़ा था, जिसकी वजह से डिंपल यादव चुनाव हार गई थी। तो 49.5% मत उनको मिला था सुब्रत पाठक को और 48% वोट मिला था डिंपल यादव को। अगर 14 की आप बात करते हैं तो 14 के चुनाव में 20,000 से ज्यादा मतों से डिंपल यादव वहां चुनाव पे जीती थी। और 2000 मुझे लगता है कि 2000 में पहली बार अखिलेश यादव वहां चुनाव लड़े थे और भारी भरकम उन्होंने जीत वहां पे हासिल की थी और लगातार उसके बाद वो समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है। और अगर आप जाति समीकरण की बात करें तो वहां पे मुस्लिम यादव का जो कॉम्पैक्ट है वो बहुत जबरदस्त माना जाता है, जबकि 15% के आसपास वहां पे ब्राह्मण भी हैं, 10% के आसपास राजपूत भी हैं और 2.5 लाख की मुझे लगता है 2.5% के आसपास वहां पे दलितों का भी वोट बैंक है। 11 से 12 लाख मेरा जहां तक मेरा ज्ञान है शायद 11 से 12 लाख वहां पे वोटर हैं, जो पिछले बार के चुनाव में जैसा जो मैंने आंकड़ा पढ़ा उसके अनुसार ये था। लेकिन अगर सुब्रत पाठक को कोई चैलेंज कर सकता था बीजेपी की, जैसे अगर आप 19 की बात करें, 14 की बात करें तो 14 में डिंपल यादव ने भी वहां पे जबरदस्त जीत हासिल की थी, लेकिन 19 में वो परचम नहीं लहरा पाई डिंपल यादव और चुनाव हार गई। तो उस गैप को अगर कोई भर सकता था इस पर्टिकुलर सीट से, जिसको गढ़ कहा जाता है समाजवादी पार्टी का, क्योंकि माननीय मुलायम सिंह नेताजी भी यहाँ से सांसद रह चुके हैं अगर आपको याद हो तो। अगर और पहले की बात अगर आप करते हैं तो जो दिल्ली के मुख्यमंत्री शीला दीक्षित जी, वो भी यहाँ से सांसद रही हैं। तो एक तरीके से पूरा जो माहौल था वो तो समाजवादी और कांग्रेस का जो गठजोड़ कहा जाता था, मुझे लगता है कि शायद ये ऐसा माना जा रहा था कि इस सीट पर अगर अखिलेश यादव चुनाव लड़ते हैं तो जो टक्कर सुब्रत यादव कह रहे थे ना कि अब मामला जो है आमने सामने का बनेगा, अक्षय यादव के आने के पहले जब तक अक्षय यादव सीट पर चुनाव लड़ रहे थे तब तक सुब्रत पाठक लगातार ये कह रहे थे कि अभी मामला बराबरी का नहीं है। लेकिन अखिलेश यादव के आने के बाद मुझे लगता है कि अब 19 और 20 का मामला इस सीट पर आपको दिखाई देगा, क्योंकि बीजेपी का मैकेनिज्म बहुत जबरदस्त होता है। तेज प्रताप यादव अखिलेश यादव से जब हमारी एक्सक्लूसिव बातचीत हुई है आज, तो ये सवाल हमने भी किया संदीप जी कि आप थोड़ा पहले आ जाते तो बात कुछ और होती, क्योंकि अचानक से आए हैं, आज आखिरी दिन है नामांकन का, तो आप पहले आ जाते तो लोग और ज्यादा जोश दिखाते। तो उन्होंने कहा कि जब लोहा गर्म होता है तभी हथौड़ा मारना चाहिए, अभी लोहा गर्म हो चुका है, कह रहे पहले फेज में हमने देख लिया है। जो हमारी उनसे बातचीत हुई है आज, उन्होंने भारत एक सोच को बधाई भी दी आज एक्सक्लूसिव बातचीत में, तो उन्होंने उन्होंने ये
बोलते बोलते ये कहा भी कि पहले फेज का जो रुझान आने शुरू हो गए हैं, दिखना शुरू हो गया है भारतीय जनता पार्टी के लिए, उन्होंने कहा कि भाई बीजेपी के जो लोग हैं उनकी जो भाषा है वो पहले फेज के बाद से एकदम 360 डिग्री बदल गई है। तो उन्होंने कहा कि अभी सही समय था जो हमें आना चाहिए था, लेकिन अब क्या आपको लगता है कि जब राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के खुद ग्राउंड पर उतर गए हैं, खुद चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो ऐसे में क्या लगता है पूरे प्रदेश में या फिर इस बेल्ट में कम से कम इसका असर दिखाई देगा क्या? नहीं, मुझे लगता है कि पूरे उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के चुनाव लड़ने से इम्पैक्ट आपको दिखाई पड़ेगा। ये सिर्फ एक पर्टिकुलर सीट की बात नहीं कर रहा हूं मैं अनुज जी, ये पूरे मुझे लगता है पूरे उत्तर प्रदेश की 80 सीटों पर जो चुनाव हो रहा है, उस चुनाव में जिस तरीके से कहा जा रहा था कि अखिलेश यादव चुनाव नहीं लड़ेंगे, ऐसी खबरें आ रही थी, लगातार मीडिया ये दिखा रहा था कि अखिलेश यादव चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने आपसे बातचीत में कहा है कि अब लोहा गर्म है, और उन्होंने इस आधार पर जिस तरीके से पहले फेज में कहा जा रहा है, वो तो देखिए 4 जून को क्लियर होगा कि क्या किसका कितना इम्पैक्ट था और क्या प्रभाव था। लेकिन फिलहाल अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के चुनाव लड़ते हैं और उस सीट से जहां पे समाजवादी का गढ़ कहा जाता है, तो मुझे लगता है कि ये पूरे उत्तर प्रदेश में जो समाजवादी के कार्यकर्ता है पार्टी के, उनके लिए जरूर कहीं ना कहीं ये एक तरीके से एनर्जी ड्रिंक की तरह ये काम करेगा। और जो कार्यकर्ता हतोत्साहित थे अखिलेश यादव के चुनाव नहीं लड़ने से, मुझे लगता है कि उनको बूस्टर डोज इस नामांकन के बाद शायद मिल जाएगा। और 13 मई के जो तीसरे चरण का चुनाव मतगणना होनी है, मतदान होना है अनुज जी, उसमें मुझे लगता है वो इम्पैक्ट और ज्यादा उभर कर आएगा। देखिए चुनाव आसान तो नहीं है, बीजेपी से चुनाव लड़ना कहीं से भी आसान नहीं माना जाता। जिस तरीके से वो हिंदू और मुस्लिमों की बात लगातार मंचों पे कह रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी, जिस तरीके से गारंटी की बात कह रहे हैं, जिस तरीके से कांग्रेस के घोषणा पत्र पे वो लगातार हमलावर हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से हमलावर हैं, वो आसान तो नहीं है। लेकिन जो कॉम्पैक्ट है, जो कहा जा रहा है कि एक पर्टिकुलर समुदाय इनसे नाराज है, और वो पर्टिकुलर समुदाय अगर जुड़ता है, और जिस पीडीए की बात अखिलेश यादव कर रहे हैं, पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक की बात, अगर वो कॉम्बिनेशन इनके साथ जुड़ता है, तो कहीं ना कहीं ये जो कॉम्पैक्ट इलेक्शन हो रहा है उसमें समाजवादी पार्टी और जो इंडिया गठबंधन कांग्रेस के साथ जो अलायंस यहाँ पे है, वो कहीं ना कहीं आपको कुछ असर करता हुआ जरूर दिखाई देगा अनुज जी। मुझे ऐसा लगता है कि अखिलेश यादव के नामांकन के बाद ये चुनाव अब बहुत एक तरीके से कह सकते हैं पूरी तरह से खुल गया है, ओपन हो गया। अब ये चुनाव एक तरफा नहीं कहा जा सकता अखिलेश यादव के नामांकन के बाद, जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी वहां पे चुनाव लड़ रही है। एक और फैक्ट है संदीप जी, एक और फैक्ट है, जब हमने अखिलेश यादव से कहा कि देखिए आप तो कन्नौज से आ गए हैं, आपके दोस्त भी अमेठी से आने वाले हैं, तो उन्होंने कहा आप सब आएंगे, तो उन्होंने ये भी हिंट दे दिया, उन्होंने कहा आप सब आएंगे, यानी कि अमेठी से राहुल गांधी का लड़ना भी आप मान लीजिए कि इशारों में बता गए कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ते हुए दिखाई देंगे। दूसरी बात संदीप जी ये है कि अब अगर अखिलेश यादव कन्नौज से चुनाव जीत जाते हो, खैर 4 जून को पता चलेगा, हमारी जब समाजवादी पार्टी से बात हुई, उनके कार्यकर्ताओं से बात हुई, उनके प्रवक्ताओं से जब बात हुई, तो हमने कहा कि भाई आप क्या डिंपल यादव का बदला लेने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं क्या, अखिलेश यादव उतर रहे हैं क्या? तो उन्होंने कहा भाई हम किसी का बदला लेने नहीं आ रहे, लेकिन यहाँ पर बीजेपी प्रत्याशी की जमानत जब्त जरूर हो जाएगी। तो कॉन्फिडेंट तो बहुत थे, अब अखिलेश यादव खुद उतर रहे हैं तो जाहिर सी बात है मोराल बहुत हाई होगा, लेकिन अब यहाँ पर अगर जीत जाते हैं तो अब क्या वो उत्तर प्रदेश छोड़ेंगे, दिल्ली जाएंगे, या फिर ये सीट छोड़ेंगे, दोबारा चुनाव होगा, अब क्या वो उत्तर प्रदेश में नेता विपक्ष कोई और होगा? इन सारे सवाल अब जो है जो हवा में तैरने लगे, इसको कैसे देखा जाए? देखिए मुझे लगता है वो अभी थोड़ा जल्दबाजी होगा इस विषय पे बयान देना, लेकिन अगर अखिलेश यादव ने ये मन बना लिया है कि लोकसभा का चुनाव उनको लड़ना है, और अगर जीत उनको मिलती है और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का जो गठबंधन इंडिया अलायंस के नाम से उत्तर प्रदेश में लड़ रहा है, वो अगर 15-20 सीटें जीतने में यहाँ कामयाब हो जाता है, तो मुझे लगता है कि शायद अखिलेश यादव उस पर पुनर्विचार कर सकते हैं कि शायद उत्तर प्रदेश उनको कुछ दिन के लिए लीव करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा, और वो समाजवादी पार्टी और इंडिया अलायंस के चुकी मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री वो रह चुके हैं, तो मुझे लगता है कि पार्लियामेंट में एक और मजबूत आवाज मुझे लगता है इंडिया अलायंस को मिलेगी, जो ये मजबूती से जो जिस तरीके से पिछली बार कांग्रेस या जो अन्य विपक्षी पार्टियां थी वो संसद में बीजेपी को घेर रही थी, मुझे लगता है उस आवाज को और बुलंदी मिलने की जो बात कही जा रही है, मुझे लग रहा है अखिलेश यादव अगर जीतते हैं तो शायद वो उत्तर प्रदेश को लेफ्ट करके छोड़ के मुझे लगता है कि संसद में जान के बैठ के, और अगर बीजेपी की सरकार बनती है, मैं इसकी संभावना से अभी वो नहीं कर सहमत नहीं हूँ कि वहां किसकी सरकार बनेगी, वो तो 4 जून को क्लियर होगा, लेकिन अगर इंडिया अलायंस वहां पे बड़ी जीत करती है दक्षिण भारत में, अगर उसको कुछ अच्छा इजाफा मिलता है, अच्छा मुनाफा मिलता है, तो ये अखिलेश यादव का लोकसभा पहुंचना अपने आप में मुझे लगता है कि इंडिया एनडीए के लिए एक चुनौती होगी अगर वो जीत कर वहां पहुंच जाते हैं।
की समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की एक मुख्य विपक्षी पार्टी है, और यहाँ से अगर उसके नेता अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतते हैं तो मुझे लगता है कि शायद वो इस बात पर विचार करेंगे, वो पार्टी तय करेगी कि उनको क्या करना होगा, वो पार्टी के सलाह मशविरा लेंगे, जो बड़े वरिष्ठ नेता हैं वो भी इस विषय पर बात करेंगे। लेकिन मेरा ऐसा, मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो उत्तर प्रदेश को कुछ दिनों के लिए छोड़ सकते हैं उत्तर प्रदेश विधानसभा में, हो सकता है किसी और को, जो पार्टी का लीडर एक तरीके से कहा जाता है शिवपाल जी को भी शायद वो उनको कह दे कि आप उस सीट से लेफ्ट बताई को छोड़ के आप उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के सामने चुनौती की तरह खड़े होइए। तो मुझे लगता है कि शायद इस बात पर विचार होगा कि अखिलेश यादव लोकसभा में जाएं और उत्तर प्रदेश की बागडोर समाजवादी पार्टी के किसी वरिष्ठ नेता को उत्तर प्रदेश में दी जाए, या हो सकता है सेकंड लाइन जिसकी बात कही जा रही है कि जो नया एक धड़ जो तैयार हो रहा है, जो युवाओं की जो फौज जिस तरह समाजवादी पार्टी में लगी है, किसी उसमें से किसी अच्छे नेता को प्रमोट करके समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में मुख्य विपक्षी नेता के तौर पर स्टैब्लिश कर सकती है। लेकिन ये तभी होगा जब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी 15 से 20 सीटों पर इंडिया अलायंस के साथ अगर वो जीत हासिल करती है, तो मुझे लगता है कि शायद इस समीकरण पे भी बात बनती हुई दिखाई देगी। इसी पर आ रहा था, अगर ये भी एक सोच होगी, मैं यही कहने जा रहा था कि ये भी सोच होगी कि जब अच्छी अगर सीटें आ जाती है इंडिया अलायंस की उत्तर प्रदेश में, तब शायद दिल्ली में मजबूती से बात रख पाएंगे अखिलेश यादव, शायद यही सोच होगी समाजवादी पार्टी। उनकी जो रणनीति है उसके लिए क्या कहना चाहेंगे संदीप जी, जिस तरह से फूंक फूंक कर कदम रखा जा रहा है, इस बार देखिए अमेठी और रायबरेली में जल्दबाजी नहीं की गई है, वैसे ही कन्नौज में भी जल्दबाजी नहीं की गई है, बदायूं में चाचा शिवपाल का भी टिकट बदल दिया गया, उनके बेटे को दे दिया गया, उससे पहले धर्मेंद्र यादव को उतारा गया था, उस धर्मेंद्र यादव को फिर आजमगढ़ पहुंचा दिया गया। तो ये पूरी स्ट्रेटेजी क्या है, क्या रणनीति क्या है, सोच क्या है, जरा एक बार समझाने की कोशिश करेंगे आप। देखिए, मैंने आपसे पहले भी कहा कि शिवपाल सिंह यादव को हो सकता है कि उत्तर प्रदेश के जो मुख्य विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी है उसका मुखिया उनको डिक्लेयर कर दिया जाए, सदन में जो विधानसभा में हो सकता है प्रतिपक्ष के नेता शिवपाल सिंह यादव हो जाएं, और अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी देखिए एक बड़ी अलायंस है उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन की, अगर वो अच्छा करती है उसका वोट कांग्रेस के साथ जुड़ता है और कांग्रेस भी 2 से 3 सीटें अगर जीत लेती है, अभी चूंकि रायबरेली ने बीजेपी ने भी क्लियर नहीं किया है, कैसरगंज भी अभी पता हुआ है, बहुत सी अभी 3-4 सीटें ऐसी हैं जिसपे अभी मुकाबला कहीं से भी क्लियर नहीं हुआ है कि कौन लड़ेगा और कौन वहां पे जाएगा। अगर रायबरेली और अमेठी में गांधी परिवार से कोई लड़ता है, कोई वहां से अपना नामांकन दाखिल करता है, तो मुझे लगता है कि शायद वो एक तरीके से एक नई एनर्जी जो कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता है जिनको कहा जा रहा है कि शायद वो एकदम निराश हो गए हैं, अगर गांधी परिवार से कोई वहां पे लड़ता है तो मुझे लगता है कि जो आज आप देख रहे हैं कन्नौज में जो स्थिति, वो मुझे लगता है पूरे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को दिखाई देगी। उसी तरह अगर अमेठी और रायबरेली से अगर गांधी परिवार का कोई व्यक्ति वहां चुनाव लड़ता है, तो मुझे लगता है कि जो जोश है कांग्रेस पार्टी में जो कार्यकर्ताओं में बुझा हुआ है, उसको भी एक तरीके से एक अग्नि मिल सकती है, एक तरीके से उसमें भी एक जोश आपको दिखाई देगा। अब चूंकि वो पार्टी चूंकि अलायंस है समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और राहुल गांधी में बातचीत हुई होगी, अब ये क्या होता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन फिलहाल इनके आने से जो पार्टी का कार्यकर्ता है वो कहीं ना कहीं जोश और खरोश में है, और इसका लाभ पार्टी कार्यकर्ता के तौर पर जो पार्टी के लोग जुड़े हुए हैं उनको ये लगने लगा है कि अब अखिलेश यादव सड़क पर आपको दिखाई, लोगों से बात करते हुए दिखाई देंगे, जो कहा जाता था अखिलेश यादव के लिए कि नहीं वो ऐसी कमरों में बैठ कर राजनीति करते हैं। मुझे लगता है कि इस लोकसभा के इस नामांकन के बाद, कन्नौज में नामांकन के बाद, बीजेपी को भी अपने स्ट्रेटेजी में कुछ ना कुछ बदलाव करना होगा, कन्नौज से सुब्रत पाठक को और मेहनत करनी होगी, और अखिलेश यादव के आने से जो कि समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा जाता है ये पर्टिकुलर सीट, उस पर कहीं ना कहीं कुछ थोड़ा सा एज जो है वो जरूर समाजवादी पार्टी को मिलेगा, लेकिन ये 4 जून को ही क्लियर हो पाएगा कि कौन वहां पे जीतता है और कौन किसकी वहां पे हार होती है। अगर अखिलेश यादव वहां से जीतते हैं तो ये जी संदीप जी, एक बात और है, ये कहा जा रहा था कि अखिलेश यादव इसलिए कन्नौज से चुनाव नहीं लड़ेंगे क्योंकि वो भाई पार्टी के स्टार प्रचारक है, उनको 80 की 80 लोकसभा सीटों पर चुनाव प्रचार करना है, और अगर अखिलेश यादव कन्नौज से चुनाव लड़ जाते हैं तो जितने भी नेता हैं, जितने भी कार्यकर्ता हैं, उनका फोकस कन्नौज पर आ जाएगा, क्योंकि होता है पार्टी के अंदर नंबर बढ़ाने वाला चलन जो चला है कि कार्यकर्ता की भाई राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ पर है तो उनकी सीट पर मेहनत किया जाए, तो बाकी पश्चिमी उत्तर प्रदेश छोड़कर लोग यहाँ आ जाते, तो वो स्थिति तो आज भी बनी हुई है, आज नामांकन हुआ है अखिलेश यादव का, तो कार्यकर्ताओं का फोकस तो यहाँ आ जाएगा, स्टार प्रचारक तो वो कल भी थे, आज भी हैं और कल भी रहेंगे, तो वो स्थिति तो आज भी बनी हुई है।
नहीं देखिए, ऐसा आप नहीं कह सकते हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव किसी एक पर्टिकुलर सीट के नेता नहीं कहे जाएंगे। अगर मोदी की बात कर ली जाए, प्रधानमंत्री पीएम मोदी की बात की जाए, तो बनारस से चुनाव लड़ते हैं, उनको गुजरात जाना ही नहीं चाहिए। तो ये नहीं है, क्योंकि आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं तो पूरे देश में आपको देखना है। और ये देखिए, वहां की जनता तय करेगी कि क्या वो अखिलेश यादव के साथ अभी भी उनका वो गठबंधन वो है, लोगों से वो कनेक्ट बना हुआ है। तो मुझे लगता है कि अखिलेश यादव को पूरे देश में और उत्तर प्रदेश में खासकर 80 सीटों पर बहुत मेहनत करने की जरूरत है, क्योंकि समाजवादी पार्टी मुख्य विपक्षी पार्टी है अनुज जी। तो यहाँ पर अगर अखिलेश यादव कंसंट्रेट करते हैं तो उसका जरूर कोई ना कोई फायदा, या कहा जा सकता है कि जो सीटों में घटत बढ़त की बात कही जा रही है, उसमें कन्नौज से नॉमिनेशन के बाद मुझे लगता है जो उत्तर प्रदेश का समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता है या गठबंधन का जो कार्यकर्ता है, कांग्रेस या समाजवादी पार्टी के अलावा भी जो गठबंधन इसमें यहाँ पे उत्तर प्रदेश में है, उन सारे कार्यकर्ताओं को इससे जोश मिलेगा, एक नई स्फूर्ति मिलेगी, एक नई ऊर्जा मिलेगी। और इसका फायदा देखिए, उत्तर प्रदेश के पूरे 80 सीटों पर अखिलेश यादव की मांग है। ऐसा नहीं है कि किसी एक पर्टिकुलर सीट पे ही वो सिर्फ अपना प्रचार करेंगे और स्टार प्रचारक के तौर पर वो कहीं नहीं जाएंगे। मुझे लगता है कि हमसे आपसे ज्यादा अच्छी समझ अखिलेश यादव जी को है, और वो ये समझने में मुझे लगता है कि काफी आगे बढ़ चुके होंगे कि किन 80 सीटों पर उनको कहां कहां कब कब कैसे जाना है। और उन सीटों पर वो जाएंगे चूंकि वो मुख्य विपक्षी पार्टी है, उनको ये मालूम है कि कांग्रेस यहाँ बहुत कुछ करने में सक्षम नहीं है, इसलिए पूरा कार्यभार या पूरा दायित्व जो है उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के कंधों पर ही है। तो मुझे लगता है अखिलेश यादव इस बात से विचलित नहीं होंगे कि कन्नौज में वो नहीं रहते हैं तो उनको हार का सामना करना पड़ेगा। पूरे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उनके समर्थक हैं, तो मुझे लगता है वो जहां भी जाएंगे ये जोश ये उल्लास आपको हर जगह दिखाई देगा, और उनके जाने से पार्टी में जरूर कहीं ना कहीं मजबूती का एहसास होगा। एक संदीप जी, जल्दी से मैं दर्शकों को बता दूं कि जब मैं यहाँ पर आया तो देखने को क्या मिला। हम लोग जब कन्नौज पहुंचे, कन्नौज में यहाँ पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पर अच्छे खासी संख्या में मौजूद थे, जिनकी तस्वीरें भी थोड़ी देर पहले हम दिखा रहे थे। पूरा यहाँ पर कार्यालय खचाखच भरा हुआ था, माइक से अनाउंसमेंट किया जा रहा था, और उस समय हम और आप लाइव आने वाले थे 12:30 बजे के आसपास। उसी समय अखिलेश यादव की एंट्री हो जाती है और पूरी सड़क जो है फूलों से पड़ जाती है। उसके बाद अखिलेश यादव अंदर जाते हैं, कार्यकर्ताओं को समझाते हैं, और फिर वो वहां से निकलकर नामांकन करने जाते हैं। नामांकन करके निकलते हैं तो प्रेस कॉन्फ्रेंस जब उन्होंने की है तो अखिलेश यादव ने बड़े हमले किए भारतीय जनता पार्टी पर। उन्होंने कहा कि कन्नौज में हमने क्या कुछ नहीं दिया, अब्दुल कलाम साहब का, राष्ट्रपति अब्दुल कलाम साहब का उन्होंने जिक्र किया कि कलाम साहब मेरे साथ यहां पर सोलर सिस्टम लगाने के लिए आए थे और उसको भारतीय जनता पार्टी ने आगे नहीं बढ़ाया। तमाम स्टेडियम की बात की कि स्टेडियम का काम रुक गया। हमने यहां पर हवाई पट्टी की भी बात उन्होंने की। उन्होंने हाईवे की बात की, कहा कि पूरे प्रदेश में घूम जाओ लेकिन कन्नौज की सड़कें आप देख लीजिए एकदम बढ़िया बनी हुई हैं। तो इस तरह के तमाम उन्होंने हमले किए। और अच्छी एक बात उन्होंने और बोली, उन्होंने कहा कि भाई हमला करते करते उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर जमकर हमला बोला और कहा कि पहली बॉल पे हम सिक्स लगाएंगे और हर छह बॉल पर हम सिक्स लगाएंगे, ओवर की हर छह बॉल पर हम सिक्स लगाएंगे और भारतीय जनता पार्टी को स्टेडियम से बाहर कर देंगे। पहले फेज के रुझान की वो बहुत चर्चा कर रहे हैं कि भाई पहले फेज में किस तरह से रुझान आ रहे हैं, उसका डर भारतीय जनता पार्टी को सताने लगा है और इसीलिए बयानों में तल्खियां आनी शुरू हो गई हैं। इसीलिए देखिए हिंदू और मुस्लिम का मुद्दा उठाया जा रहा है बीजेपी की तरफ से, ये उनकी तरफ से कहा गया है और कहा गया ये बौखलाहट है, इस बार देखिएगा भारतीय जनता पार्टी हार जाएगी। ये बात अखिलेश यादव ने जो कही प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो जितना मोटा मोटा मेरे जहन में याद आ रहा है वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए तस्वीरें हम चलाने की कोशिश कर रहे हैं संदीप जी, कि दर्शक देख पाए जरा वो तस्वीर। आखिर ये देखिए पार्टी के सभी नेता ये देखिए बयान दे रहे हैं और आज नामांकन के कार्यक्रम में आए हुए हमारे सभी बुजुर्ग भाई, नौजवान साथी, पत्रकार बंधुओं और उपस्थित हमारे सभी समाजवादी साथियों, मैं एक एक समाजवादी पार्टी के नेता का, एक एक यहाँ पर उपस्थित कार्यकर्ता और उपस्थित साथियों का धन्यवाद देना चाहता हूँ। आपने आज ही नॉमिनेशन के दिन, नामांकन के दिन ही तय कर दिया है कि यहाँ पर समाजवादी पार्टी ऐतिहासिक वोटों के साथ रिकॉर्ड बनाने जा रहा है। ये जोश और उत्साह बता रहा है कि कन्नौज की जनता इस बार रिकॉर्ड बनाने जा रही है, रिकॉर्ड बनाने। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं आपके माध्यम से
कन्नौज की जनता को मैं भरोसा दिलाता हूं कि जो सुगंध, जो कन्नौज की पहचान थी, जो कन्नौज ने एक भाईचारे का संदेश दिया, वो जो कन्नौज की खुशबू जो पूरी दुनिया में पहुंची और फैली, मैं उस संस्कृति को और कन्नौज के विकास को और कन्नौज की सुगंध को और आगे बढ़ा करके इतिहास में नाम दर्ज हो, इस तरह का काम हम समाजवादी लोग करेंगे। आज का दिन न केवल मेरे लिए लेकिन हमारे तमाम समाजवादी लोग, उनके लिए आज का दिन इसलिए भी यादगार दिन होगा क्योंकि मैं आज का दिन जब याद करता हूं और मैं जब नॉमिनेशन करने आया तो मुझे याद आया, हमारे पुराने नेता जानते होंगे कि पहली बार नॉमिनेशन करने के लिए मुझे नेताजी ने भेजा था, तब मुझे आप लोगों ने मिलकर के सांसद बनाया था और उस समय के जो नेता आए थे जनेश्वर मिश्र जी, आज हमारे बीच में चाय ना हो लेकिन जो उन्होंने आह्वान और रास्ता दिखाया था हम लोगों को, उसी रास्ते पे हम लोग चल रहे हैं। मुझे याद है अमर सिंह अंकल, आदरणीय आजम खान साहब और बहुत बड़ी बड़ी संख्या में नेता हम लोगों के नामांकन में आए थे। मैं जब तस्वीर उठा करके देखता हूँ तो उसमें बहुत से साथी नेता वो भी हैं जो बिल्कुल कम उम्र के दिखते हैं थे उस समय में। मैं कई नेताओं की तस्वीर पुरानी देखी जिसमें बाल काले थे उनके, लेकिन आज उनके सबके बाल सफेद हो गए, लेकिन उनके साथ साथ हमारे भी बाल सफेद हो गए। इसी कन्नौज ने हमें पहचान दी, इसी कन्नौज ने हमें पहचान दी और जो यहाँ का विकास हम लोगों ने किया है वो विकास भी ऐसा है जो न केवल हमारी इस क्षेत्र की पहचान बन गई बल्कि पूरी दुनिया में उसकी पहचान बनी है, चाहे वो सड़क हो और चाहे वो इत्र के लिए जो काम किया था। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं यहाँ के किसानों के लिए, यहाँ के इत्र के कारोबारियों के लिए, यहाँ के नौजवानों के लिए जो आधे अधूरे काम छूटे थे, उन कामों को और आगे बढ़ाने का काम मैं करूंगा। मुझे भरोसा है जो साथी आज आए हैं, आज हमारा जहाँ मनोबल बनाया है, उत्साह के साथ, जोश के साथ आपने भरोसा दिलाया कि रिकॉर्ड मतों से जीतेंगे, लेकिन इसी जोश उत्साह के साथ आप लोग गांव में जाकर के, अपने बूथ पे जाकर के अगर हमारी मदद करोगे तो अभी तक की सबसे बड़ी जीत समाजवादी पार्टी की होगी। ये जिम्मेदारी आपको लेनी होगी। जब आप जिम्मेदारी लेंगे अपने बूथ आने की, अपने बूथ पे हमारी मदद की, आपको अपना बूथ जिताना है, मदद करना है, बूथ जिताएंगे आप लोग बूथ। मुझे मैं देख रहा हूं इतना बड़ा कार्यालय, इतना बड़ा मैदान सब भरा पड़ा है, इतना कार्यालय कभी नहीं भरा दिखाई दिया।